अमृतानंद बड़ी खबर दे रहे हैं। 12 साल बाद एक बार फिर महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली। इंग्लैंड के डर्बी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर ने 115 गेंदों में नॉट आउट 171 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 282 रन का लक्ष्य रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 245 रन पर सिमट गई। अब 23 तारीख को फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। बहुत ही बड़ी जीत है ये, इंडिया को लास्ट मैच न्यूजीलैंड को हराया, ये मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया। दो बड़ी टीम विमेंस क्रिकेट के है और एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। और हाँ, इंडियन टीम बहुत सालों के बाद 2005 के बाद फाइनल में आई है और फाइनल लॉर्ड्स में खेलेंगे। बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। अमृत, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब फाइनल जीतने की भी उम्मीद अब बढ़ गई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है अर्पिता, ये चीज अगर पक्की हो गई है। भारतीय फैंस तो ये मान बैठे हैं कि वर्ल्ड कप उनका हो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, डिफेंडिंग चैंपियन थी, डी मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से हराई थी, इसी वर्ल्ड कप में बात कर रहा हूँ। और 2005 वर्ल्ड कप की बात करें तब भी उन्होंने भारत को फाइनल में हरा शिकस्त दी थी। कुल मिलाकर देखिए, अगर हम मैच के समीकरण को, तो जिस तरह से टीम इंडिया ने खेला है, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, तीनों क्षेत्र में भारतीय टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन को बैकफुट पर धकेल दिया था। तो यहां से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं भारतीय टीम से, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर भारतीय टीम ने मेहनत किया है, होमवर्क किया है और होमवर्क के दम पर फाइनल में जगह बना ली है। और यहां से उम्मीद यह है कि इंग्लैंड को हराना भारतीय टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिस तरह से परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रहा है। शुक्रिया अमृत।